हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ ऑलमोस्ट द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हेसेज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन। ये लॉ क्या है या इस लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं वो तो हम अभी स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस कि अभी तक जो हम स्टडी किया है हम लोगों ने, उसमें ये था कि हम ग्लास कैलोरीमीटर या बॉम्ब कैलोरीमीटर की मदद से डिफरेंट वैल्यूज़ की इंथालपीज, डिफरेंट सिस्टम्स की इंथालपीज जो सी है वो मेजर कर सकते हैं। दे हेल्प अस इन मेजरिंग द इंथालपीज। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ सिस्टम इस तरह के हैं विच जहाँ पर हम वी कैन नॉट फाइंड आउट दी एंथैल्पीज यूजिंग दी कैलोरीमीटर्स। देर आर मैनी सिस्टम्स हुज डेल्टा एच कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग कैलोरीमेट्रिक मेथड। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ डिफरेंट होता है उन सिस्टम्स के अंदर, जैसे कि अभी हम एग्जांपल में स्टडी करेंगे। सबसे पहली एग्जांपल है टेट्राक्लोराइड, CCl4। CCl4 जो है ये डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होता कि हम कार्बन को दो क्लोरीन के साथ मिला दें और हमारे पास CCl4 बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसकी वजह से हम इसकी डायरेक्ट जो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो कैलोरीमेट्रिक मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते। और सिमिलरली अगर हम इसकी CCl4 को डिकम्पोज करना चाहें तो ये ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्ट कार्बन और 2Cl2 के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। तो लिहाजा इनके रिएक्शंस डिफरेंट होने की वजह से हम इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है आपके पास बोरॉन ऑक्साइड की या एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 या B2O3 की। इनकी जो सी हैं स्टैंडर्ड इंथाल्पीज ऑफ फॉर्मेशन हम विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर्स वी कैन नॉट फाइंड आउट, क्योंकि इनको जो सा है इनकी इसकी वजह क्या है कि हम जब बॉम्ब कैलोरीमीटर में इसकी कम्बशन करेंगे तो हम इसकी कम्बशन इस वजह से कंप्लीट नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सैंपल है, इसको आपने ऑक्सीजन दी और हीट किया, तो ये इसकी जब ये बर्न होना शुरू होगा तो बर्निंग इज अ सरफेस एरिया, सरफेस फिनोमेना ना, पहले सरफेस से बर्न होना शुरू होगा। जैसे ही ये बर्न होगा इनकी ऑक्साइड्स जो सी हैं वो इसके ऊपर एक लेयर बना देती हैं ऑक्साइड्स की। ये जो ऑक्साइड्स की लेयर है ये अंदर वाले मौजूद सिस्टम को, अंदर वाले मौजूद मेटल को, अंदर वाली मौजूद फ्यूल को जो कि मज़ीद जलने कि जिसके पास जगह है वो उसकी कम्बशन रोक देती है, क्योंकि ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर आ जाती है। इस वजह से इनकी भी जो होती हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन हम जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। सिमिलरली आपके पास एक एग्जांपल है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन नॉट बी डिटरमिंड डायरेक्टली, वी कैन नॉट फाइंड आउट इट डायरेक्टली। क्यों? बिकॉज जब भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी CO2 विल ऑल्सो फॉर्म, कि CO2 भी उसके साथ जो है उसके रिएक्शन में बनती है, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली CO की फॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फिर हमने यहाँ पे इन कंडीशंस को देखते हुए जो है वो ये देखा कि आपके पास अगर जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज है वो राउट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसको हम इसी एग्जांपल को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो होता क्या है, सबसे पहले जब हम कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो आपके पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन सॉलिड है, ये गैस और ये गैस, और इनकी जो डेल्टा एच है ग्रेफाइट की वो है 393.7 किलो जाउल पर मोल।
अब होता क्या है कि आपके पास जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनती है वो मज़ीद ऑक्सीजन लेके भी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनाती है। और जो कार्बन डायरेक्ट जो O2 के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी, इसकी जो डेल्टा H2 है दैट इज़ -283 किलो जाउल पर मोल। और डेल्टा H1 हम डायरेक्ट फाइंड नहीं चूँकि कर सकते, तो फिर हम इन तीनों को कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन अकेला नहीं होता है। इसको आप इस तरह से समझें कि आपके पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिले और कार्बन डाइऑक्साइड बनी और इनकी इंथाल्पी डेल्टा H थी। एक तरीका ये है कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का डायरेक्ट तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है कि ये कार्बन जो है पहले हाफ ऑक्सीजन से मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और इस रिएक्शन की डेल्टा H1 होती है, और यही कार्बन मोनोऑक्साइड फिर एक और हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलके CO2 बनाता है और डेल्टा H2 होती है। एक मेथड है ये डायरेक्ट मेथड और एक मेथड है ये इनडायरेक्ट मेथड। तो हीट लॉ ऑफ समेशन हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन ये कहता है कि जो ओवरऑल इस रिएक्शन की ये जो कंप्लीट पहला रिएक्शन है जिसकी डेल्टा एच है वो बराबर होगी इसके डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के। वो कहता है कि अगर एक रिएक्शन की इंथाल्पी डेल्टा एच है और वो डायरेक्ट रिएक्शन है, अगर ये चेंज डायरेक्ट आया है तो ये डेल्टा एच होगी। और कह रहा है लॉ के अगर ये चेंज किसी स्टेप्स के थ्रू आया है, नंबर 1 स्टेप ये था ये वाला रिएक्शन, नंबर 2 स्टेप ये वाला रिएक्शन था, वो कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट। एक रूट तो ये है ना कि कार्बन ऑक्सीजन से मिले CO2 बना दे, दूसरा रूट ये है कि कार्बन पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। तो हेसिस लॉ ऑफ हीट समेशन ये कहता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट, कि रूट की इंडिपेंडेंट है जो आपकी डेल्टा एच है वो रूट पे डिपेंड नहीं करेगी। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसकी डेल्टा एच सेम रहेगी, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से बनाएं चाहे आप इनडायरेक्ट मेथड से बनाएं, इन दोनों को जमा करें तो वो इसके इक्वल ही आएगी। तो ये है हीट हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, जो कि कहता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट टेकन, कि किसी भी रूट से आप अगर रिएक्शन को कंप्लीट करें तो उसकी डेल्टा एच जो सी है वो सेम रहेगी। तो ये हमारे पास लॉ है। तो अभी जो हमने बात की थी कि वी कैन नॉट फाइंड आउट दी ये वाली जो सी है, इसी को अगर मैं दोबारा लिखूं तो हम अपनी एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हैं। कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाता है CO2, ये है जी डेल्टा एच। ये जो है हाफ ऑक्सीजन लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा डेल्टा H1 के साथ, और ये जो है दोबारा हाफ O2 लेगा और डेल्टा H2 बनाएगा उसके साथ। अभी हमने पीछे जो दो रिएक्शन लिखे थे तो डेल्टा एच जो था वो हमने लिखा था जी -393 किलो जाउल पर मोल, और जोन सी आपके पास कार्बन, ये दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है डेल्टा H2 वो थी जी -283 किलो जाउल पर मोल। तो हम जब शुरू में ये डिस्कस कर रहे थे कि हम डायरेक्ट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ बन रही होती है, तो वो हम इस लॉ की मदद से फाइंड आउट कर सकेंगे कि लॉ ने कहा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो डेल्टा एच हमारे पास डायरेक्ट रिएक्शन की थी -393 किलो जाउल पर मोल, डेल्टा H1 वो है जो कि हम फाइंड आउट नहीं कर सकते थे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, तो डेल्टा H1 इस इक्वेशन से निकालेंगे, और डेल्टा H2 है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलती है एंड विच इज़ -283 किलो जाउल पर मोल। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास इस रिएक्शन की डेल्टा HF आ जाएगी जो कि डेल्टा H1 है, और वो निकलेगी जब ये उसमें से हम माइनस कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आएगी -110 किलो जाउल पर मोल। अब ये जो है हमारे पास डायरेक्ट नहीं निकल रही थी,
कैलोरीमेट्रिक मेथड से, लेकिन हमने हेसेज लॉ ऑफ हीट समेश कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट हीट समेशन, उससे हमने ये वैल्यू जो सी है वो फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारे पास लॉ है जो कि कहता है कि आप किसी भी रूट से लेके चलें, ओवरऑल जो इंथाल्पी है वो चेंज नहीं होगी। अब हम चलते हैं, अब हम इस पोजीशन में हैं कि इस लॉ की डेफिनेशन को पढ़ें और हमें समझ आ जाए। तो डेफिनेशन जो आपकी बुक में है वो कहता है जी, इफ़ अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस बाय सेवरल मेथड्स, बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स, कहता है जी कि एक केमिकल चेंज अगर डिफरेंट रूट से हो सकता है तो क्या होगा, द ओवरऑल एनर्जी जो होगी उसकी, ओवरऑल एनर्जी का जो चेंज है वो क्या होगा, इज सेम, वो सेम रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द रूट, इस बात पे डिपेंड किए बगैर कि आपने कौन से रूट से वो चेंज लेकर आए हैं, रिगार्डलेस ऑफ द रूट बाय विच केमिकल चेंज इज अकर्ड। और आखिरी बात है जी, प्रोवाइडेड कि आप कंडीशंस को चेंज ना करें, प्रोवाइडेड द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर द सेम। तो ये इसकी डेफिनेशन है, और जो कि अब मेरे ख्याल में आपको बड़ी आसानी से समझ आ गई होगी, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर सेम। वो ये कह रहा है कि केमिकल चेंज अगर एक ऐसा केमिकल चेंज है जो कि सेवरल डिफरेंट तरीकों से हो सकता है, सेवरल डिफरेंट राउट से हो सकता है, तो जो ओवरऑल एनर्जी चेंज होगी, जो डेल्टा एच होगी, वो सेम रहेगी, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि आप जो सा मर्जी रूट ले लें, जो उनसे मर्जी रूट से वो केमिकल चेंज ले आएँ, आपके पास ओवरऑल एनर्जी चेंज जो डेल्टा एच है वो सेम की सेम रहेगी, प्रोवाइडेड कि आपके पास इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन सेम है। अगर आप कंडीशंस चेंज कर देंगे तो फिर उसमें फ़र्क आ सकता है, लेकिन अगर सेम कंडीशंस पे आप कोई भी रूट ले लें, डेल्टा एच जो है वो सेम रहेगी। इसको आप मज़ीद, इसको हम इलस्ट्रेशन के लिए आपकी बुक वाली एग्जांपल ही यूज़ करते हैं। अगर एक चीज़ ए है, इसको मैंने डी में कन्वर्ट करना है, और जो है इसके पास डेल्टा एच जो है वो डेल्टा एच होगी इसकी एंथैल्पी, ये एक डायरेक्ट मेथड है। लेकिन अगर मैं दूसरा रूट इस्तेमाल करता हूँ जिसमें ए पहले कन्वर्ट होगा बी में, और उस रिएक्शन की एंथैल्पी होगी डेल्टा एच वन, फिर ये बी चेंज होगा सी में जिसकी एंथैल्पी होगी डेल्टा एच टू, और फिर ये सी चेंज होगा डी में, और जो सही है आपके पास रिएक्शन होगा डेल्टा एच थ्री। अब डायरेक्ट मेथड था ए से डी बन जाए, वो ओवरऑल रिएक्शन की डेल्टा एच है, लेकिन अभी भी ए से डी ही बना है, लेकिन डिफरेंट रूट के थ्रू, कि पहले बी बना, फिर सी बना, और फिर डी बना। तो हेसेज लॉ ऑफ कांस्टेंट ये कहता है कि जो डेल्टा एच है, ए से डी बनने की जो डेल्टा एच है वो बराबर होगी इन सब के समेशन के, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू एंड प्लस डेल्टा एच थ्री। तो ये आपके पास जो सा है वो लॉ ऑफ हीट समेशन है, और इसको अगर मैं इस शक्ल में लिखूं कि समेशन ऑफ डेल्टा एच, अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊं, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और इन तमाम एच की मैं समेशन कर दूं तो मेरे पास आंसर जीरो आएगा जब ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये बेसिकली इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि हेसेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन है। वो ये कहता है कि जी, अगर आप किसी भी रूट से एक केमिकल चेंज लेकर आए हैं, तो आपकी जो हीट का चेंज है या जो एनर्जी का चेंज है वो रूट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सेम रहेगा, और ये उसकी एग्जांपल है। अभी हम एक और एग्जांपल जो है वो स्टडी करते हैं, जिसमें हमने देखना है द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट की जो है हमने फॉर्मेशन करनी है, इसकी फॉर्मेशन जो है वो दो तरीकों से हो सकती है। पहला तरीका है जी सिंगल स्टेप प्रोसेस,
के डायरेक्ट रिएक्शन के नतीजे में आपके पास Na2CO3 बन जाए, और वो क्या है कि आप 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि ये गैस है और ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। ये जब रिएक्ट करेंगे तो आपके पास आपकी प्रोडक्ट बनेगी Na2CO3 एक्वस सॉल्यूशन प्लस आपके पास लिक्विड वाटर बन जाएगा, और इसकी जो डेल्टा एच होगी दैट इज़ -89.08 किलो जाउल। ये तो एक तरीका था फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3 का। दूसरा तरीका है आपके पास कि ये डबल स्टेप प्रोसेस हो, ये जो फॉर्मेशन ऑफ आपके पास है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो। तो पहला स्टेप में क्या होगा, NaOH जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा और आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा, एक्वस गैस एंड एक्वस। ये जो डेल्टा H1 होगी ये है जी -48.06 किलो जाउल। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो NaHCO3 है जो अभी बना है पहले स्टेप में, ये मज़ीद एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा एंड इट विल फॉर्म दी प्रोडक्ट जो कि सोडियम कार्बोनेट होगी, और साथ में ये जो है वाटर को रिलीज़ कर देगा। और अब ये जो इस रिएक्शन की डेल्टा H2 होगी दैट इज़ -41.02 किलो जाउल। तो इसी एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि Na2CO3 विच कैन बी मेड विच कैन बी फॉर्म्ड आइदर थ्रू द सिंगल स्टेप प्रोसेस के एक रिएक्शन में हो जाए, या फिर 2 स्टेप प्रोसेस। ये 2 रिएक्शन मैंने लिख दिए कि पहले बाइकार्बोनेट बनेगा और बाइकार्बोनेट फिर मज़ीद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बना देगा। अब आपके पास अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन, हेसेस लॉ के मुताबिक जो है वो ये कहता है कि अगर आपके पास सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन है तो उसकी ओवरऑल एंथैल्पी बराबर होगी 2 स्टेप प्रोसेस या 3 स्टेप प्रोसेस के। तो अभी हम जो एग्जांपल पढ़ रहे हैं उसमें 2 स्टेप से, तो हमने इसको इस ये शक्ल बनी हमारे हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन की। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये लॉ वैलिड है, क्योंकि अब हमारे पास डेल्टा एच भी मौजूद है पहले रिएक्शन की जो कि थी -89.08 जो कि सिंगल स्टेप था, और डेल्टा H1 हमारे पास थी -48.06 किलो जाउल जिसमें बाइकार्बोनेट बना, और फिर उस बाइकार्बोनेट से जब सोडियम कार्बोनेट बन गया तो उसकी हमारे पास आई 41.02 किलो जाउल। अब हम इनकी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में जब पुट करते हैं तो हमें पता लगता है कि लॉ जो है हमारा वो वैलिड है। डेल्टा एच -89.08 इज़ इक्वल टू डेल्टा H1 जो कि थी -48.06 प्लस -41.02 जो कि क्या है हमारे पास डेल्टा H2 है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -48.06 -41.02 और ये -89.08, और इसको जब मैं जमा करता हूँ दोनों को तो ये मेरे पास 89.08 ही बनता है, सिमिलरली 89.08। तो यहाँ से हमें पता चला एक एग्जाम्पल के थ्रू कि आपका जो हेसेस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन है दैट इज़ वैलिड, और इसका असूल जो है वो ये है कि वो तमाम रिएक्शंस जो कि डायरेक्टली या कैलोरीमेट्रिक मेथड से जिनका फाइंड आउट नहीं किया जा सकता उनको फिर हम उनके स्टेप्स में तोड़ने के बाद उनकी एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन और कम्बस्शन या जो भी एंथैल्पीज हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग दी एंथैल्पीज ऑफ दोज रिएक्शंस जो कि सिंगल स्टेप नहीं होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन, जो कि सेकंड लास्ट टॉपिक था। सेकंड जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो भी इसी की एग्जांपल है, जो कि इसी की हमने इसी चैप्टर की एप्लीकेशन इसी हेसेस लॉ ऑफ हीट कॉन्स्टेंट की एप्लीकेशन जो है वो हमने एक प्रोसेस में देखनी है जो कि बॉर्न हार्बर साइकिल है, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम बेसिकली
ये जो आज हमने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ हेफिज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, तो ये बेसिकली जो लास्ट टॉपिक है ये हेफिज लॉ ही की एक तरह है कि हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे इन दिस प्रोसेस। तो वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा और फिर हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो दिस वाज हेफिज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन।